हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। एक शिप का मॉडल है जिसके अंदर जो मास्ट है, ये जो पर्दा है, इसकी जो लेंथ है ये 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। व्हाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। जबकि एक्चुअली में जो इस मॉडल से जो एक्चुअल शिप बनाया गया है उसका जो मास्ट है वो 12 मीटर हाई है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, अगर शिप की जो लेंथ है एक्चुअल शिप की लेंथ 28 मीटर है, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। तो मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो शिप का मॉडल है और एक एक्चुअल शिप है, तो उन दोनों की जो लेंथ है ना वो गिवन है। तो वही दो चीज़ें हमें यहाँ पे पुट करनी है। लेंथ ऑफ मॉडल शिप, और मॉडल शिप की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर के अंदर है, और दूसरा है लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप। एक्चुअल शिप की जो लेंथ है वो मीटर के अंदर है। अब गिवन पे ध्यान दे, मॉडल शिप के अंदर जो मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर है, तो यहां 9 आएगा, और जो एक्चुअल शिप का जो मास्ट है वो 12 मीटर हाई है। हमसे पूछा है कि इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, यानी जो शिप है ना उसकी लेंथ 28 मीटर है, तो यहां पे 28 लिखेंगे हम, क्योंकि ये चीज एक्चुअल शिप की लेंथ है मीटर के अंदर। तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो मॉडल शिप की जो लेंथ है वो कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो जो चीज हमें निकालनी है उसी को हम लेट कर लेंगे। तो लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज एक्स ले लेता हूं मैं, यहां पे एक्स ले लेंगे। अब जरा प्रॉब्लम पे ध्यान दें। देखिए, जब भी हम कोई चीज मॉडल बनाते हैं, शिप का बनाए या बिल्डिंग का बनाए, तो उसी के प्रोपोर्शन में हम एक्चुअल चीजों को भी डिजाइन करके बनाते हैं। तो यहां पे ये जो दोनों चीजें हैं ना, लेंथ ऑफ मॉडल शिप और लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये मॉडल शिप का जो मास्ट है 9 सेंटीमीटर है, एक्चुअल शिप का जो मास्ट है वो 12 मीटर है, और एक्चुअल शिप की जो लेंथ है वो 28 मीटर है, तो जो मॉडल शिप का जो मास्ट होगा वो 9 से ज़्यादा होगा। मॉडल शिप का जो लेंथ है ये ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो लिखेंगे पहले से, क्योंकि लेंथ ऑफ मॉडल शिप एंड एक्चुअल शिप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयरफोर इनकी जो रेशियो है ये बराबर होगी, यानी 9/12 बराबर होगा x/28 के। अब यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो मॉडल शिप की जो लेंथ है वो हमें पता चल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × x = 9 × 28। x की वैल्यू निकालने के लिए 9 × 28 एज इट इज रहेगा, x के पास जो 12 है यहां मल्टीप्लाई में, ये इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा। तो सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा, इन्हें काट रहे हैं हम, 4 से कट रहे हैं दोनों, 28 और 12, 4 से इसे डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा, 4 से इसे डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 3 और 9 कट रहे हैं, 3 1 पे और 3 3 जार 9, ऊपर बचा 3 और 7, तो 3 7 जार 21, यही मेरा आंसर है। तो आंसर हो जाएगा 21, और ये मैं निकाल रहा हूँ लेंथ ऑफ मॉडल शिप, मॉडल शिप की जो लेंथ है ये आई है 21, और ये सेंटीमीटर में है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।